ठीक है, तो क्या किया, चलो एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, बोल दिया आइडेंटिफाई एंगल अमॉन्ग ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। ठीक है, मतलब ए बी सी डी तो हमने किसको बोल रखा है, ये जो पर्टिकुलरली लिखा होता है ना इसको, ये ए है, ठीक है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, मैं जो अभी यहाँ पर एंगल्स लिखूंगा तुम्हें बताना पड़ेगा ये किस टाइप के एंगल्स हैं। जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट ले लिया, मैंने बोल दिया 31 पाई, तो मुझे बताओ ये किस टाइप का नंबर है। 31 मतलब कौन सा नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया। ऑड नंबर मतलब ये किस टाइप का नंबर है, ऑड पाई हो गया। तो ऑड मतलब यहाँ पर कितना हो गया, 2n+1 पाई हो गया। तो बेसिकली यहाँ कहाँ चला गया, सी में चला गया। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सी होता है ना ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो इस तरह से तुम्हें ये बताना है। ठीक है, तो सेकंड मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, ऐसे लिख लिया, चलो 73π/2। तो 73π/2 है, तो इतना तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, या तो ये बी होगा या तो ये डी होगा। कैसे चेक किया बी और डी के लिए, मैंने इसको चलो ऐसे लिख लिया 72, ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना हो गया, इसको 1 कर दिया, इसकी यहाँ पर कितना लिखा है, π/2 लिखा है। अब मुझे बताओ ये जो 72 जो लिखा है यहाँ पर, ये किस टाइप का नंबर है, ये एक 4n टाइप का तो नंबर है यहाँ पर, मतलब 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा 72, ऑब्वियसली हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 4n टाइप का नंबर है, इसका मतलब ये यहाँ पर क्या हो गया, 4n+1 π/2 हो गया, और 4n+1 π/2 कौन होता है, b होता है, राइट। 4n-1 होता तो नीचे आ जाता, या 4n+3 होता तो नीचे आ जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वैसे चलो और लिख लेते हैं, चलो थर्ड मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, ऐसे लिख लिया 80π/2। तो 80π/2 को तो तुम क्या कर सकते हो, 40π लिख सकते हो। 40π का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इवन पाई हो गया, राइट। इवन पाई मतलब ये कितना हो गया, 2n पाई हो गया, तो 2n पाई का मतलब कितना हो गया, ए आ गया। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तुम चलो फोर्थ ले लिया, मैंने बोल दिया यहाँ पर 70π/2, तुम अपने आप भी कर सकते हो, मेरे से पहले ही कर सकते हो। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 35π हो गया। ठीक है, तो 35π का मतलब कितना हो गया, ये ऑड पाई हो गया, ऑड पाई का मतलब ये सी हो गया। ठीक है, डायरेक्टली लिख रहे हैं अभी, तो और लिख लिया, चलो ये इसको मैंने ऐसे ले लिया 118π/2। तो 2 से तो वैसे भी कट रहा है, राइट, ये तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 59π हो गया। ठीक है, माइनस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस साइन का तो मतलब ये है कि क्लॉकवाइज घुमाया गया है। 59 मतलब यहाँ पर क्या ऑड है, तो अगर ये ऑड है तो ये किधर आ गया, सी आ गया फिर से ये। ठीक है, सिक्स मैंने और ले लिया, चलो मैंने ऐसे लिख दिया -123π/2। तो -123 को तुम कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना, -124+1 कर दिया इसको। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या 24 4n टाइप का नंबर है, हाँ है, बिल्कुल है 4n टाइप का नंबर। माइनस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, माइनस साइन तो इसका मतलब क्या है कि क्लॉकवाइज जा रहा है ये। ठीक है, माइनस मतलब -124 को मैं 4n बोल सकता हूँ, मतलब ये किस टाइप का नंबर आ गया यहाँ पर, 4n+1 टाइप का नंबर आ गया। सही है, 4n+1 टाइप का नंबर आ गया, इसका मतलब यहाँ पर ये कितना हो गया, बी हो गया। तुम चाहो तो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो कि मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, -120-3π/2 ले लिया। अब 120 क्या है, ये भी 4n टाइप का नंबर है। अगर ये 4n टाइप का नंबर है तो अगेन यहाँ पर कितना हो गया, ये हो जाएगा 4n-3π/2। और 4n-3 भी एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, बी होता है, जो मैं तुमको ऑलरेडी लिखा चुका हूँ। समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलो और ले लिया मैंने यहाँ पर, समझो 7 ले लिया, ऐसे ले लिया इधर इसको 63π/2। तो 63π/2 को तुम और कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 6+3, मतलब तुम उसमें तोड़ो, ठीक है, नंबर को उसमें तोड़ो जो 4 से मल्टीपल हो। जैसे 60 मुझे पता है ना 4 से मल्टीपल है, तो अगर ये 4 से मल्टीपल है, इसका मतलब इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, 4n+3, ये कितना हो गया, π/2। अगर 4n+3π/2 हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, अब डी हो गया। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलो एक आध और ले लिया, 8th मैंने ले लिया 1025π/2। तो 1025 को तुम फिर से कैसे लिख सकते हो, 1024, और ये कितना हो जाएगा, सिंपली यहाँ पर 1 आ गया, इसको मैंने क्या लिख दिया, π/2। तो 1024 क्या 4 का मल्टीपल है, हाँ है 4 का मल्टीपल, इसका मतलब अगेन यहाँ पर कितना हो गया, 4n+1π/2 हो गया। तो ये कहाँ चला गया, ये बी पे चला गया। सही है, ठीक है, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, और क्वेश्चन ले लेते हैं एक हाथ। ठीक है, और क्वेश्चन मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, ऐसे लिख लो फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐसे लिख लिया साइन 13π।
ठीक है, साइन 13 पाई मुझे बताओ कितना होगा। मैंने तुम्हें बताया था कि साइन एन पाई हमेशा जीरो होता है, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, ये हमेशा क्या होगा, जीरो ही होगा। तो साइन 13 पाई कितना हो गया, जीरो हो जाएगा। तुम क्या कर लिया करो, एक जगह ऐसे डायग्राम बना लिया करो, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और यहाँ पर ये क्या डी है। तुम चाहो तो कोऑर्डिनेट लिख लो, तो कोऑर्डिनेट अगर लिख लोगे तो तुम डायरेक्टली देख के बता सकते हो, ठीक है। माइनस वन कॉमा जीरो हो गया, ये कितना हो जाएगा, जीरो कॉमा माइनस वन हो गया। तो साइन 13 पाई का मतलब क्या हो गया, ए और सी, मतलब एन पाई। तो एन पाई के लिए यहाँ पर हमेशा वाई कोऑर्डिनेट कितना है, जीरो है, तो जीरो हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है पर क्या कर रहे हैं। तो अगर समझो मैं यहाँ पर ऐसे बोलता हूँ कॉस 11 पाई, तो कॉस 11 पाई का मतलब कितना हो गया, कहाँ जाएगा बताओ 11 पाई, ए पे जाएगा या सी पे जाएगा, सी पे जाएगा, राइट। और सी पे, सी का एक्स कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, सी का एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर माइनस वन है, तो ये यहाँ पर कितना आ गया, माइनस वन आ गया। फेयरली इजी, एकदम समझ में आता है यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। और चलो मैंने यहाँ पर पूछ लिया, चलो टेन के लिए पूछ लिया, भले हमने टेन के लिए नहीं किया पर फिर भी मैं लिख सकता हूँ 19 पाई बाय 2। तो मुझे बताओ 19 पाई बाय 2 किस टाइप का एंगल हो गया, मैंने इसको कैसे लिख दिया, 16 प्लस 3 पाई बाय 2 लिखा ये, ठीक है। 16 प्लस 3 मतलब कहाँ हो गया ये, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4n प्लस 3 पाई बाय 2 हो गया ये। 4n प्लस 3 मतलब कौन सा हो गया यहाँ पर, d हो गया, ठीक है, d हो गया। इसका मतलब 10 19 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, मुझे बताओ। साइन थीटा अगर y होता है, कॉस थीटा अगर x होता है, तो मैंने यहाँ पर इसको लिखवाया था ना, ये कितना था y बाई x होता है ये, तो y बाई x मतलब तुम देख लो कहाँ देखना है तुम्हें, d में देखना है, तो d का y कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस वन, ये कितना हो गया, जीरो, तो ये तो अनडिफाइंड हो गया, ठीक है, नॉट डिफाइंड। डिनोमिनेटर में जीरो आना मतलब इन्फिनिटी हो गया, आंसर तुम इन्फिनिटी थोड़ी ना दोगे, आंसर कभी इन्फिनिटी थोड़ी ना होता है, आंसर तो हमेशा कैसे लिखोगे, नॉट डिफाइंड लिखोगे। अरे समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है, और लिख लेते हैं। चलो मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, कॉस ऐसे लिख लिया 11 पाई बाय 2, तो कॉस 11 पाई बाय 2 हो जाए, तो मैंने तुम्हें बताया था कॉस कभी भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होता है तो हमेशा ही जीरो होता है। इसके लिए तो मुझे चेक करने की जरूरत भी नहीं है कि ये बी पे जाएगा या डी पे जाएगा, वैसे तुम चेक कर सकते हो, भले बी पे चले जाए डी पे चले जाए, बी और डी के दोनों के तुम एक्स कोऑर्डिनेट देख लो, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होते हैं, तो ये तो हमेशा क्या होगा, जीरो ही होगा, ठीक है। चलो और ले लेते हैं यहाँ पर, और क्या ले लिया, चलो कॉट ले लिया, ठीक है, कॉट मैंने ऐसे बोल दिया 30 पाई, तो कॉट 30 पाई, 30 पाई किधर आएगा मुझे बताओ, ए पे आएगा कि सी पे आएगा, ए पे आएगा, राइट। और कॉट इस केस में यहाँ पर क्या होगा, कॉट इस केस में एक्स बाय वाई होगा, समझ में आता है ना, तो तुम देख लो यहाँ पर एक्स कितना आ रहा है, एक्स तो वन है, ये जीरो हो जाएगा, तो फिर से ये क्या हो गया, नॉट डिफाइन हो गया है, ठीक है, बहुत ईजी है, एक बार अगर तुम्हें समझ में आ जाता है सब चीज़ें, ओके। और चलो ले लेते हैं यहाँ पर, मैंने चलो क्या ले लिया 10, ये ले लिया माइनस 35 पाई हो गया, माइनस 35 पाई किधर होगा बताओ, माइनस से कोई मतलब नहीं हो जाए, मुझे मतलब किससे है कि यहाँ पर 35 लिखा है, मतलब इवन लिखा है चाहे ऑड लिखा है, तो 35 किधर हो गया, ऑड हो गया, तो कहाँ आ गया, सी पे आ गया, सी पे आने का मतलब कितना जाएगा, वाई बाय एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर वाई कितना है, वाई यहाँ पर जीरो है, ये माइनस वन है, तब ये तो जीरो हो गया, फिर अगर न्यूमरेटर जीरो होने का मतलब यहाँ पर क्या है, पूरी वैल्यू जीरो हो गई, राइट, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये जीरो ही हो गया, सही है, ओके। और ले लेते हैं यहाँ पर, ऐसे ले लिया कॉस, इसको ले लिया माइनस 7 पाई, तो माइनस 7 पाई देखो कितना होगा, माइनस 7 पाई का मतलब कहाँ होगा, सी पे होगा, ठीक है, सी का तुम एक्स कोऑर्डिनेट देख लो, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर कितना है, माइनस 1, तो ऐसे लिख लिया, ठीक है। चलो और ले लेते हैं, चलो ऐसे ले लिया सेक माइनस 13 पाई बाय 2, ठीक है, माइनस 13 पाई बाय 2 मतलब ये क्या लिखा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 लिखा है, तो मुझे पता है इस केस में हमेशा कॉस कितना होता है, जीरो ही होता है, कॉस कितना होता है, हमेशा एक्स होता है, तो ये कितना होगा, वन बाय एक्स होगा, मैं सब लिखवा चुका हूँ तुम्हें, ठीक है, तो तुम देख लो 13 पाई बाय 2 कहाँ जाएगा, चाहे बी जाए चाहे डी जाए, कहीं भी जाए, एक्स तो इस केस में हमेशा जीरो ही होने वाला है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, वन बाय जीरो हो गया, तो ये भी फिर क्या हो गया, नॉट डिफाइन हो गया। अरे समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। चलो और ले लिया थोड़ा सा, मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया, ठीक है, साइन ले लिया, साइन ऐसे ले लिया माइनस 13 4 5 पाई बाय 2, ठीक है, इस तरह से ले लिया। चलो तो ये क्या लिखा है, ऑड नंबर है, कुछ ऑड नंबर ऑफ पाई बाय 2 है ये, तो इस केस में मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कहाँ जा रहा है, बी पे जा रहा है या डी पे जा रहा है, ये चीज़ तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, या तो बी पे जाएगा या तो डी पे जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको मैंने कैसे लिखा, तुम इसको ऐसे कर लो, ऐसे बना दिया मैंने माइनस 13, इसको 4 4 कर दिया, ये कितना लिख दिया, इसको माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 हो गया, ठीक है। किसी भी नंबर को तुम तोड़ोगे किस सेंस में, इस सेंस में तोड़ोगे कि ये क्या हो जाए, 4n का मल्टीपल हो जाए, और 4n का मल्टीपल कैसे देखते हो मुझे बताओ, कोई भी नंबर अगर 4 से मल्टीपल है या नहीं है या डिविजिबल है, कैसे देखते हो, लास्ट दो नंबर देखा करो,
लास्ट दो नंबर अगर 4 से डिविजिबल हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब वो 4n टाइप का नंबर है वो। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? तो 44 तो ऑब्वियसली डिवाइड हो ही जाएगा 4 से, ठीक है। तो ये इसको इस तरह से लिख दिया, तो मतलब बेसिकली यहाँ पर ये नंबर किस टाइप का आ गया, ये नंबर आ गया यहाँ पर 4n-1, ये कितना हो गया पाई बाई टू, और 4n-1 कौन होता था, डी होता था, राइट। और तो तुम क्या करो, डी का तुम हमने वाई कोऑर्डिनेट देख लिया, डी का अगर वाई कोऑर्डिनेट देख लोगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin-3, 4, 5 पाई बाई टू, दिस विल बी इक्वल टू -1, ठीक है। ये जो वैल्यू लिख रखा है बहुत बड़ी वैल्यू है, हो सकता है इतने बहुत बार घूमने के बाद यहाँ पर आया हो इस तरह से, ठीक है, ओके। और ले सकते हो, चलो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, एक ऐसे ले लिया cos, ठीक है, ऐसे ले लिया 1, 1, 3, 6 पाई ले लिया। तो 1, 3, 6 बताओ ऑड नंबर है या इवन नंबर है, इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर है, इसका मतलब कौन से में आ गया, ए पे आ गया। तो ए का तुम एक्स कोऑर्डिनेट देख लो तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। आई होप तब तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है, काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है किस तरह से एंगल्स लिखा जाता है। अभी तो हम लोग ने कौन से एंगल्स बताया, ए बी सी डी बताया है, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग जो ए और बी के बीच वाले जो एंगल होंगे उसके बारे में भी हम लोग कमेंट करने के लायक हो जाएंगे, अभी बस फिलहाल इतना सीख लो कि एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक नोट और लिख लेते हैं, कितने नोट हो गए थे, जितने भी नोट हो गए थे तुम नेक्स्ट नोट लिख लो, चेक कर लो जो भी है, ठीक है। इसको क्या किया मैंने, फिर से बना लिया ऐसे, ऐसे बनाया, ठीक है, इसको मैंने इस तरह से बना लिया अच्छे से। यहाँ पर ये क्या लिया था, ए लिया था, ये क्या था यहाँ पर, बी, यहाँ पर ये सी था, यहाँ पर ये डी था, ठीक है। ए मतलब यहाँ पर क्या था, 2n π था, राइट, और कोऑर्डिनेट्स क्या थे इसके, 1, 0 थे। वैसे बी यहाँ पर कितना था, 0, 1 था, और एंगल यहाँ पर कितना था, 4n+1 पाई बाई टू था। सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, -1, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना था, 2n+1 π होता, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 0, -1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4n-1 π/2। तुम जितने बार लिखोगे इतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर क्या बोला था, एक एक चीज को चलो लिख लेते हैं। साइन कॉस के लिए तो लिखा ही था हमने, एंगल ए के लिए, ठीक है, तो एंगल ए के लिए मुझे बताओ साइन कितना होगा। साइन हमेशा यहाँ पर तुम किसका देखो, वाई कोऑर्डिनेट देखो, साइन हमेशा कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। साइन 0 होगा, कॉस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तुम अब इसके बाद एक एक चीज लिख सकते हो, जैसे कोसेक क्या होगा मुझे बताओ, कोसेक जो होगा यहाँ पर, ठीक है, इस केस में कोसेक कितना होता है, 1/sin होता है। तो अगर यहाँ पर 1/sin करूंगा अगर मैं, तो 1/0 हो जाएगा, तो इस केस में यहाँ पर ये नॉट डिफाइन हो गया, ठीक है। और देख लो, चलो sec कितना हो जाएगा, sec कितना होता है, 1/cos होता है, तो 1/cos करने का मतलब cos यहाँ पर कितना है, 1 है, तो मतलब 1/1 हो जाएगा, राइट। तो sec भी कितना हो गया, 1 हो गया। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर तुम देख लो tan, देख लो tan यहाँ पर क्या होगा, sin/cos होगा, sin/cos होगा, इसका मतलब ऐसे हो जाएगा 0/1, तो ये भी कितना हो गया, 0 हो गया। आई होप दिस इज फाइन। इनफैक्ट इस चीज को तो तुम हमेशा याद रख सकते हो, जहां भी साइन 0 होगा वहां tan 0 हो जाएगा। क्यों, जो साइन आता है वो कहाँ आता है, उसके न्यूमरेटर में आता है, तो अगर उसका न्यूमरेटर 0 हो रहा है तो सीधी सी बात है ना, टेन की वैल्यू 0 ही तो हो गई, ठीक है। वैसे कॉट क्या आ जाएगा, कॉट अब क्या होगा, टेन का उल्टा हो जाएगा, टेन का उल्टा मतलब कितना हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये फिर से क्या हो गया, नॉट डिफाइन हो गया। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। फिर वैसे ही क्या किया, चलो बी वाले पॉइंट पे देख लिया, बी वाले पॉइंट पे यहाँ पर साइन कितना दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, क्या देखोगे, वाई कोऑर्डिनेट देखो, साइन कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। कॉस कितना दिख जाएगा तुम्हें, कॉस दिख रहा है तुम्हें, 0, ठीक है, थीटा लिख लिया, चलो ये 0 हो जाएगा। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहा है, ठीक है। वैसे तुम क्या करो, चलो कोसेक देख लो, कोसेक कितना हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा 1/sin, और साइन यहाँ पर कितना है, कितना यहाँ पर 1 है, तो ये भी 1 हो जाएगा, मतलब बेसिकली 1/1 हो गया ना, ठीक है। सेक कितना हो जाएगा, सेक अब यहाँ पर अनडिफाइंड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉस 0 हो चुका है, क्योंकि सेक को मैं कैसे लिखता हूँ, 1/cos लिखता हूँ, डिनोमिनेटर 0 हो गया तो अनडिफाइंड हो गया ये, ठीक है। टेन देख लो, टेन यहाँ पर कितना हो जाएगा, टेन होता है sin/cos, तो यहाँ पर जाएगा 1/0, अगेन यहाँ पर ये कितना हो गया, नॉट डिफाइन हो गया। कॉट देख लो, कॉट कितना होगा, कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, ठीक है, तो अब यहाँ पर इस केस में क्या हो जाएगा, 0/1 हो जाएगा, तब तो ये 0 ही हो गया, सही है। और वैसे भी बोल सकते हो, जहां पर cos 0 होगा वहां cot 0 हो जाएगा, क्योंकि cot कैसे ओपन होता है, cos/sin होता है, जहां cos 0 हो रहा है मतलब न्यूमरेटर 0 हो गया। अब तुम्हें समझ में आता है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं, चलो यहाँ पर साइन कितना है, यहाँ पर साइन 0 है, यहाँ पर कॉस कितना है, यहाँ पर कॉस ये है -1, ठीक है, ओके। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेक कितना हो जाएगा, सेक हो जाएगा भी ऐसा हो जाएगा 1/-1, दैट इज 1/cos, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से -1 हो जाएगा। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहा है,
ठीक है। वैसे यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, कोसेक कितना हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा यहाँ से 1/sin, 1/sin मतलब 1/0, तो ये क्या हो गया, नॉट डिफाइन हो गया। आ रहा है समझ में क्या कर रहे हैं? ठीक है ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या ले लेते हैं, चलो tan थीटा ले लिया, tan थीटा कितना हो जाएगा, साइन बाय कॉस होगा, तो ये कितना हो जाएगा 0/-1, तो ये तो जीरो ही हो गया, न्यूमरेटर जीरो हो गया, मतलब खत्म हो गया ना। मैंने तुम्हें बताया था जहाँ साइन जीरो होगा वहाँ टेन जीरो होता ही है। वैसे यहाँ पर कॉट थीटा क्या लिख लिया, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन, तो जाएगा -1/0, तो ये भी क्या हो गया, नॉट डिफाइन हो गया। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या गया, जीरो हो गया। ठीक है समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अच्छा वैसे तुम्हें ये चीज़ समझ में आना चाहिए, जैसे -1/0 जो है वो है नॉट डिफाइन, तो है वो नॉट डिफाइन, तो मैं आंसर लिखूंगा, पर ये एक्चुअली जाएगा जाएगा कहाँ, ये जाएगा -∞। ठीक है 1/0 इन्फिनिटी जाता है, तो माइनस साइन के साथ क्या हो जाएगा, ये -∞ जाएगा ये। ठीक है वैसे ही अगर 1/0 लिखा होगा कहीं, जैसे 1/0 किधर दिख रहा है तुमको, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, देखो ये 1/0, ये जो नॉट डिफाइन लिखा है, ठीक है देखो यहाँ इस किधर की बात कर रहे हैं 1/0, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा तो एक्चुअली इन्फिनिटी, आंसर तो हम नॉट डिफाइन लिखेंगे पर जा किधर रहा है, ये इन्फिनिटी जा रहा है। ठीक है और अगर -1/0 तो ये कहाँ जाएगा, -∞ जाएगा। आई होप दिस इज फाइन। ठीक है इतना हमने क्या किया, इसको लिख लिया, इसको अच्छे से याद कर लिया। ओके अब चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे।